सुचिता मेड़ा और ये है मेरी भाई ख्याति गढ़े और हम दोनों गुजरात की क्रांटीनियर कॉलेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चरर्स हैं और हमारी जो लाइफ है वो यूथ से कनेक्टेड है। हम कॉलेज में काफी एक्साइटिंग चीजें करते रहते हैं, पढ़ाते तो है ही बच्चों को, लेकिन हमारी जिंदगी में यूथ से कनेक्टेड होने के कारण काफी एक्साइटिंग चीजें होती रहती है। इसके अलावा हम फूडी है, एडवेंचरियस है, टेक्नो सेवी है, क्रिएटिव है, हमारी यूट्यूब चैनल्स भी है और हम दोनों इंस्टाग्राम पे लाइव भी आते हैं। दोस्तों आज हम लोग अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग विजिट करेंगे कृष्णा रिवर साइड रिसोर्ट। ये रिसोर्ट हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको भी दिखाएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको भी विजिट करवाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं कृष्णा रिवरसाइड रिसोर्ट में जो माही नदी के नजदीक है, बड़ौदा के भी नजदीक है और ये वासत जाने वाला रूट है जो जहाँ पर आनंद से वासत जा सकते हैं। बीच में एक रेस्टोरेंट आई थी दिल्ली दरबार, उसमें काफी बेहतरीन नॉनवेज मिलता है। मैं जब 2010 और 11 में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में था तब यहाँ पर मैं बहुत खाने को आ रहा था और इट इज लाइक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अमूल का चॉकलेट प्लांट है और यहाँ से सब कैडबरी और सब चॉकोबार वगैरह यही सब बनते हैं और यही से वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी काठियावाड़ी होटल्स है, जैसे रवि काठियावाड़ी है जहाँ पर 10 साल पहले हम लोग खाते थे, उसके बाद अभी तो गिरिराज काठियावाड़ी बन गई है, रामदेव करके काठियावाड़ी है, तो बहुत सारी होटल्स ये हाईवे पर बन गई है जहाँ पर आपको प्योर काठियावाड़ी टेस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर भी आ रहा है जहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा है शंकर भगवान की, तो हम लोग वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। और शिव जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ तो आपको मंदिर का भी दर्शन कराऊंगी। ये आ गया है शिव जी का बहुत अच्छा टेम्पल, आपको बाहर से ही शिव जी की मूर्ति दिख सकती होगी, हम अंदर भी जाएंगे और दर्शन भी करेंगे, तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर शिव जी की बहुत लंबी जो प्रतिमा है उसका मंदिर है और चिंतन काफी बार मुझे यहाँ लेकर आते हैं क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो मैं आपको शिव जी के दर्शन करवाती हूँ। तो ये शिव जी का मंदिर है, पूरा से हमें थोड़ा आगे जाना है तो यहाँ से हम मुड़ गए हैं और अब शायद 7 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है, तो चलो देखते हैं। और ये बहुत ही नैरो रोड है और बहुत ही जंगल जैसा लग रहा है यहाँ पर और हम लोग काफी करीब है रिसोर्ट के। तो यहाँ हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम चलते हैं कृष्णा रिसोर्ट रिवर साइड रिसोर्ट। अभी जो इंटरेस्ट इन हॉर्स राइडिंग होते हैं 4:30 बजे के बाद कर दूंगा, अभी काम जाता है ना इसके बाद थोड़ा गया तो हाँ। अभी कर देंगे ठीक है। और दोपहर में लंच का टाइमिंग क्या रहता है रेस्टोरेंट का? 12 से 2 बजे 12 बजे किचन क्लोज होता है। ओके, और डिनर का? डिनर का 7:30 to 9:30 10 o'clock एवरीथिंग इज गोइंग टू शट डाउन। ओके दोस्तों, कृष्णा रिवरसाइड रिसोर्ट की वर्चुअल टूर VR डिवाइसेस में 360 वीडियो में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी VR वर्चुअल रियलिटी टूर YouTube चैनल की लिंक दी है, उसमें आप ऐसे ही बहुत सारे प्लेसेस की वर्चुअल टूर VR डिवाइसेस में 360 वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं। आपको VR डिवाइसेस में ऐसा एहसास होगा जैसे आप वहीं पर हाजिर हो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। જ્યારે તમે જાપુરમાં પાણી ભરો છો ત્યારે નળની ઉપર પાણી આવી જાય, હા બરાબર, પછી વાન કરો, પહેલા વાન કરશો તો બોટ બધે પાણી થઈ જશે। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा कि बहुत अच्छा स्वीट चिंतन ने बुक किया है और हम हमारे रूम में पहुंच गए हैं और अभी आपको बालकनी का जो महीसागर नदी का जो रिवर व्यू है वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा जो है वो रिवर व्यू यहाँ से दिख रहा है और ये बालकनी है और कैसा लग रहा है ख्याति? बहुत वंडरफुल। हाँ,
तो ये पूरा जो व्यू है वो रिवर व्यू है। तो रात को यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। और हाँ, बुटीक रिसोर्ट कह सकते हैं। यहाँ पर ये झूला भी है और ये पूरा रूम जो है वो इतना बढ़िया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, कृष्णा रिवर साइड रिसोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम रहा। स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट है और काफ़ी हेल्पफुल है। शाम से लेकर नाइट तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम लोगों ने व्लॉग 2 में इंक्लूड किया है, तो स्टे ट्यून। प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस डेली आपको मिल सके।